देश दुनिया के इतिहास में 11 जनवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1613 में मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। 1753 में आज ही के दिन स्पेन नरेश जोकिन मुराद ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ने का ऐलान किया था। आज ही के दिन 1759 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली बार जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक और जाने माने मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का जन्म आज ही के दिन 1842 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक का जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक शिबू सोरेन का जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। आज ही के दिन 1962 में पेरू के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के सरकने से कई गांव और शहर बर्फ और चट्टानों की तह के नीचे दब गए थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन आज ही के दिन 1966 में ताशकंद में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम में दीवार के नाम से मशहूर और पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। आज ही के दिन 1993 में सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी थी। 1995 में आज ही के दिन सोमालिया में 2 वर्ष से चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान को समाप्त घोषित किया गया था। आज ही के दिन 2005 में यूक्रेन में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम समर्थक और विपक्षी उम्मीदवार विक्टर युश्चेंको को विजेता घोषित किया गया था। शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाज सेवी सर एडमंड हिलेरी का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2009 में हुए 66वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में स्लम डॉग मिलियनेयर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। 2010 में आज ही के दिन भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया था। आज ही के दिन 2010 में भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए $1 अरब ऋण देने का वादा शामिल है। 2010 में आज ही के दिन दिल्ली उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी RTI कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।